प्रेगनेंसी में सोने से पहले ये चार गलतियां महिला को नहीं करनी चाहिए। क्या आप जानते हैं गर्भ अवस्था के दौरान सही से सोना और सही से अपनी नींद को पूरा करना बहुत ज़रूरी है। अगर एक महिला अपनी नींद को पूरा नहीं कर पाती या वो रात को या दिन में सही से नहीं सो पाती तो उसकी वजह से उन्हें बहुत थकान होती है, चिड़चिड़ापन महसूस होता है, साथ ही शिशु तक ज़रूरी पोषक तत्व और ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाते जिससे माँ और शिशु दोनों को ही तकलीफ होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बेबी केयर फैमिली पर। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए अपनी वीडियो को हम शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो सोने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नंबर वन, गर्भवती महिला को गर्भ अवस्था के दौरान कम से कम 6 से 8 घंटे अपनी नींद पूरी ज़रूर करनी चाहिए। क्या आप जानते हैं अक्सर आसपास के लोग कहते हैं कि गर्भवती महिला को ज़्यादा सोना नहीं चाहिए और कई बार प्रेगनेंसी के दौरान रात को नींद नहीं आती जिसकी वजह से हम दिन में थका थका महसूस करते हैं और दिन में हमें नींद आती है। तो अगर आपको रात को नींद पूरी नहीं हो रही है तो आपको अपनी नींद को दिन में पूरा करना है, मगर आपको अपनी नींद 6 से 8 घंटे की पूरा ज़रूर करना है। इसके लिए आप रात को 6 से 7 घंटे सो सकते हैं और दिन में 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे आराम ज़रूर कर सकते हैं। नंबर 2, जब भी आप सोएं इस बात का ध्यान रखें कि खाना खाने के तुरंत बाद आपको कभी भी नहीं सोना चाहिए। खाने खाने के बाद कम से कम आपको 2 घंटे का समय या टाइम लेना है और उसके बाद ही सोना है। खाना खाने के बाद तुरंत कभी भी सोना नहीं चाहिए, इससे आपका जो डाइजेशन है वो इफ़ेक्ट होता है या पेट से जुड़ी कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए कोशिश करें कि खाना खाने के तुरंत बाद सोएं ना। नंबर 3, सोने से कम 1 से 1.5 या 2 घंटे पहले आपको फ़ोन नहीं चलाना। यानी कि जब भी आप सोने जाएं तो ध्यान रखें कि आपको फ़ोन साइड रखना है। आपको फ़ोन सोते समय अपने आसपास भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि फ़ोन से निकलने वाली रेडिएशन वेव्स आपको और आपके बेबी को इफ़ेक्ट करती हैं। तो कोशिश करें कि सोते समय अपने से दूर फ़ोन को रखें, साथ ही सोने से 1.5 से 2 घंटा पहले फ़ोन इस्तेमाल ना करें। हो सके तो आप बुक रीडिंग कीजिए, चाहे आप स्पिरिचुअल बुक पढ़ सकते हैं या किसी की बायोग्राफी पढ़ सकते हैं। आप ऐसी बुक्स पढ़िए जिससे आपको कुछ अच्छी नॉलेज मिले और जिसका इफ़ेक्ट गर्भ में पल रहे शिशु को हो, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं, जैसा महसूस करते हैं, जैसा पढ़ते हैं, उन सब का असर गर्भ में पलने वाले शिशु के ऊपर पड़ता है। तो कोशिश करें रात को सोने से पहले आप कोई ना कोई अच्छी बुक को ज़रूर पढ़ें। बुक पढ़ने से हमारा जो माइंड है वो तेज़ होता है, शार्प होता है, जिसका इफ़ेक्ट बेबी पर पड़ता है। तो कोशिश करें कि बुक रीडिंग की हैबिट आप ज़रूर बनाएं। नंबर 4, गर्भवती महिला को अक्सर सोते समय अपनी पोजीशन का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। आपको लेफ़्ट करवट में सोना चाहिए, क्योंकि जब भी हम लेफ़्ट करवट में सोते हैं तो इससे हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो अच्छे से होता है, ऑक्सीजन अच्छे से फ्लो करती है, जिससे बच्चे तक ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में पहुंचती है और बच्चे और आपको दोनों को ही फ़ायदा होता है। तो गर्भ अवस्था के दौरान कोशिश करें कि आप लेफ़्ट करवट पर ही सोएं, यानी कि उल्टे हाथ की तरफ। ऐसा करने से आपकी जो बच्चे की ग्रोथ है जो सोते समय होती है वो भी अच्छे से हो पाती है, साथ ही आपकी मसल्स भी रिलैक्स और फ्लेक्सिबल महसूस करती हैं और आपको अच्छी नींद आती है और आपकी नींद भी पूरी होती है। नंबर 5, गर्भवती महिला को सोते समय तकिया ज़रूर रखनी चाहिए। अपने सर के नीचे तकिया, साथ ही पैरों के बीच में और पेट के पास आपको तकिए का सहारा ज़रूर लेना चाहिए। हो सके तो अपनी कमर के पीछे भी एक तकिया रखिए ताकि आपका जो बॉडी है उसको सपोर्ट मिले। जैसे जैसे हमारा मंथ बढ़ता है, यानी कि अगर तीसरा तिमाही आपका चल रहा है, तो उस समय आपको बिना तकिए के सोने में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी टाइम में पिलो आती हैं सोने के लिए, आप चाहें तो उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सोते समय रिलैक्स और शांत होकर सोना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए बुक रीडिंग के हैबिट्स ज़रूर बनाएं। इससे जुड़े कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। फेसबुक या यूट्यूब पे
अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि प्रेगनेंसी और पेरेंटिंग से जुड़ी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलती रहें। हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।